हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूं TGT बायोलॉजी का जो 2010 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर को। चलिए हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, पहला है DNA तथा प्रोटीन, दूसरा है RNA तथा प्रोटीन, और तीसरा है RNA तथा अमीनो अम्ल, और चौथा है RNA तथा DNA। तो जो राइबोसोम की संरचना होती है वो जो होती है RNA और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है RNA तथा प्रोटीन वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीटिन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया था। पहला है घरेलू मक्खी में, दूसरा है मधुमक्खी में, तीसरा है ड्रोसोफिला में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पॉलीटिन क्रोमोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था एक चिरोमोनास टिटैनस था, बार्बेरिस लेटर के द्वारा ये हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी नहीं इसमें, ठीक है। जो चिरोनोमास टिटैनस के बाद में जो है इसको इंसेक्ट्स के लार्वा में, जो कि ड्रोसोफिला था उसके लार्वा में, सेलेवरी ग्लैंड में भी इसको पाया गया था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है TSH, और चौथा है इंसुलिन। तो हार्मोन जो वृषण के द्वारा जो सीक्रेट होता है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, TSH एंड इंसुलिन। तो जो टेस्टिस से सीक्रेट होता है, जो वृषण से मतलब सीक्रेट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल हार्मोन होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं। पहला रूपांतरित लसिका ग्रंथिकाएं, दूसरा है प्यूज ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र, और तीसरा है वृक्कों में छोटी नलिकाएं, और चौथा है अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियां। मतलब कि आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस आज मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ पिट्यूटरी, स्मॉल ट्यूबुल्स इन किडनी एंड डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियाज। तो ये जो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होती है वो होती है डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियाज। तो यहाँ पे चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा लिंग हार्मोन है? ए है एंड्रोजेंस, बी है प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा है स्टैड्रियोल, और चौथा है इनमें से सभी। तो जो फीमेल हार्मोन है वो बताना है यहाँ पे कि कौन सा होगा। तो जो फीमेल हार्मोन है वो है एस्ट्राडियोल, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है, जैसे कि मेन फीमेल हार्मोन यहाँ पे पूछ रहा है, तो एस्ट्राडियोल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्टि सहायक होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण में है, दूसरा है श्वसन में, तीसरा है प्रकाश ऑक्सीकरण में, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन में। तो कृष्टि जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, आपको पता होगा। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है वो कौन सी है? पहला है रेडिया, दूसरा है सर्केडिया, तीसरा है मेरेसीडियम, और चौथा है रेबडिटी फॉर्मलार्वा। तो जो लिवर फ्लूक होता है उसके लाइफ साइकिल की वो स्टेज जो कि प्राइमरी होस्ट को संक्रमित करता है, प्राथमिक पोषक को संक्रमित करता है, वो कौन सा है यहाँ पे पूछा है? तो वो होती है प्राइमरी होस्ट को जो इन्फेक्ट करेगा वो होता है मेटासर्केरिया लार्वा होता है, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्केरिया लार्वा। दूसरा, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है,
पहला जोंक, दूसरा है एस्केरिस, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा है घरेलू मक्खी। तो जो द्विलिंगी जंतु है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, वो कौन सा हो जाएगा? जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी और घरेलू मक्खी। इसमें से जो जोंक है, जो लीच है, ठीक है, वो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? पहला है 11 तथा 12, दूसरा है 12 तथा 13, और तीसरा है 14 तथा 15, और चौथा है 10 तथा 11। तो जो केंचुए में वृषण होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? स्थित होता है 10 और 11वें खंड में, ठीक है। ऑप्शन चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है? एक कारपोरा कार्डिएका, दूसरा है अग्रवच्छीय ग्रंथि, तीसरा है कारपोरा एलेटा और चौथा है मस्तिष्क। तो तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से जो होता है वो नियंत्रित होता है ब्रेन से नियंत्रित होता है, ठीक है। जो मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड बाई कारपोरा एलेटा, कारपोरा एलेटा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मेटामॉर, हाँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कारपोरा एलेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में बब्बर शेर का संरक्षण किया जा रहा है कहाँ पे? पहला है दुधवा, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है कार्बेट और चौथा है गिर। तो बब्बर शेर का जहाँ पे, जिस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जा रहा है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH उत्पन्न होता है? पहला है हाइपोथैलेमस से, दूसरा है अग्रपीयूष ग्रंथि से, तीसरा है पश्चपीयूष ग्रंथि से और चौथा है पीयूष ग्रंथि के मध्य पाली से। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH है, वो सिक्रीट होता है, जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जो वैसोप्रोसिन सिक्रीट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे FSH जो सिक्रीट हो रहा है अग्रपीयूष ग्रंथि से, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है? पहला है लैक्टिक अम्ल में, दूसरा है एसिटो एसिटिक अम्ल में, तीसरा है सिस एकोटिनिक अम्ल में और चौथा है एसिटिल को एंजाइम में। पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले जो परिवर्तित होता है वो किस में परिवर्तित होता है? वो जो परिवर्तित हो जाता है एसिटिल को एंजाइम में, ठीक है। ऑप्शन जो फोर्थ है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है? पहला है अभिरूपांतरण, मतलब कि एपिमॉर्फोसिस, दूसरा है संरचना विकास में, मतलब कि मॉर्फोजेनेसिस, चौथा है तीसरा है मॉर्फोलैक्सिस से और चौथा है अभिरूपांतरण तथा संरचना विकास में। तो हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है वो होता है मॉर्फोलैक्सिस से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्तनी प्रकट हुए थे? ए परमियन काल में, दूसरा है ट्राइएसिक काल में, तीसरा है जुरैसिक काल में और चौथा है क्रिटेशियस काल में। फर्स्ट मैमल जो अपीयर हुए थे वो किस काल में प्रकट हुए थे, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जो फर्स्ट मैमल आए थे वो आए थे ट्राइएसिक काल में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ट्राइएसिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है? पहला है ट्रायलीय तंत्रिका, दूसरा है ऑप्टिक तंत्रिका, तीसरा है श्रवण तंत्रिका और चौथा है वैगस तंत्रिका। तो मेंढक में जो द्वितीय कपालीय तंत्रिका होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है जो है ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व मतलब कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिक तंत्रिका होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है, पहला है एक्रोसोम से, दूसरा है ध्रुवीय काय से, और तीसरा है परिपक्व अंडे से, और चौथा है शुक्राणु के मध्य भाग से। तो जो फर्टिलाइजिंग नामक जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस वो जो उत्पन्न होता है वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम मैच्योर एग। एंटी फर्टिलाइजिंग इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? परिपक्व अंडे से। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैच्योर एग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही हो गया फिर से। प्रजाति द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1809 में, 1858 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1859 ईस्वी में, ये कब प्रकाशित हुई थी? जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है ये डार्विन की किताब है जो कि पब्लिश हुई थी 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, तो उसको हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, पहला उत्परिवर्तन, दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा है इनमें से दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यू डार्विनवाद था, डार्विनिज्म था, न्यू डार्विनिज्म या नव डार्विनवाद, उसके अनुसार जीवन के विकास के लिए जो उत्तरदायी होता है वो है उत्परिवर्तन, मतलब कि म्यूटेशन भी और प्राकृतिक चयन भी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा हमारा, इनमें से दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? पहला है अपरापोषिका, दूसरा है पीतक कोष, तीसरा है उल्ब, और चौथा है जरायु। चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर? पहला है एलेंटॉइस, दूसरा है यॉर्क सैक, तीसरा है एमनियन, और चौथा है कोरियन। मतलब कि फीटल मेम्ब्रेन कौन सा है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की भांति एम्ब्रियो में कार्य करता है? ठीक है, वो है यहाँ पे हो जाएगा एलेंटॉइस हो जाएगा, एलेंटॉइस ही होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, एलेंटॉइस जो होता है इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सैक लाइक एक्सक्रीशन ऑफ द नाइन गट ऑफ एनी ओट्स। एलेंटॉइस फंक्शंस एज एन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर और एज रेस्पिरेटरी एक्सटेंशन ऑफ हाइंड गट ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, पहला है पक्षी वर्ग में, दूसरा है मत्स्य वर्ग में, तीसरा है कीट वर्ग में, और चौथा है स्तनधारी वर्ग में। तो जो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है वो पाया जाता है कीट वर्ग में, इंसेक्ट्स में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? पहला है मच्छर, दूसरा है फीताकृमि, तीसरा है समुद्री एनीमोन, और चौथा है जोंक। कौन सा जंतु है जो कि परजीवी नहीं है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पैरासिटिक एनिमल नहीं है? तो मस्कीटो, टेपवॉर्म और लीच, ये सब के सब जो है पैरासिटिक हैं, लेकिन जो समुद्री एनीमोन है, सी एनीमोन, वो पैरासिटिक एनिमल नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीसियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? पहला है लघु केंद्रिका, दूसरा है गुरु केंद्रिका, और तीसरा है इन दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीसियम में संयुग्मन में जिसका आदान प्रदान होता है वो होता है लघु केंद्रिका का। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, पहला है यूरिया, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है अमोनिया, चौथा है गुआनिन।
ठीक है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जो एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ये पूछ रहा है, तो वो होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किस को उत्सर्जित करना है? स्तनधारियों में जो होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वृक्क का कार्य, किडनी का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? पहला है अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल। दूसरा है अत्यधिक लवण, जल तथा अमीनो अम्ल। तीसरा है अत्यधिक जल, यूरिया तथा अमीनो अम्ल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैमल्स में किडनी जो है, जो एक्सक्रीट करती है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है अत्यधिक लवण, यूरिया और जल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तन है? पहला है नेवला, दूसरा है प्लेटिपस, तीसरा है वेल और चौथा है छछुंदर। कौन सा ऐसा मैमल है जो कि अंडा देता है? तो इसमें जो है प्लेटिपस जो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, वो अंडा देता है। इसके अलावा सभी बच्चे देने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है? पहला है प्रवाल द्वीप वलय, दूसरा है प्रवाल द्वीप और तीसरा है प्रवाल रोधिका और चौथा है तटीय प्रवाल भित्ति। तो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति जो कहलाती है वो है तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तटीय प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं? पहला है प्रजनक, दूसरा है उत्सर्जी, तीसरा है संवेदी और चौथा है शोधज। ठीक है, तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं या ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसकी होती है? प्लेटिहेलमिंथीज की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? पहला है ऑरेलिया, दूसरा है ओबेलिया, तीसरा है फाइसेलिया और चौथा है एडेम्सिया। जो इफायरा लार्वा जिसकी लाइफ साइकिल में होता है वो है ऑरेलिया। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या होती है? पहला है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 32 और चौथा है 64। तो जो फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज 16 इन 2 रोज, मतलब कि 2 रोज में 16 होती हैं, कुल मिला के 32 हो जाएंगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुरूपता देखी जाती है? पहला है सिनेंट्रेटा में, दूसरा है एनिलीडा में, तीसरा है आर्थ्रोपोडा में और चौथा है इकाइनोडर्मेटा में। जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है या बहुरूपता जो होती है वो देखी जाती है सिलेंट्रेटा में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंसिशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है कहाँ पे? पहला है प्लेनेरिया में, दूसरा है एस्केरिस, तीसरा केंचुआ और चौथा है तारामिनिया स्टारफिश। जो सिंसिशियल एपिडर्मिस पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जो सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है वो पाई जाती है एस्केरिस में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मानव की खोज की थी? पहला है WC पेई ने, दूसरा है यूजीन ड्यूबाइस ने और तीसरा है डार्विन ने और चौथा है रॉबर्ट बाउन ने। तो जो जावा मानव की खोज की थी यूजीन
डुबोई ने, यूजिन डुबोइस ने, ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो जावामानों की खोज हुई थी वो हुई थी 1890 ईस्वी में, हो सकता है सन पूछ जाए तो फिर आप ध्यान रखना 1890 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है, मतलब कि बाई प्रोडक्ट है। मेटाबोलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, पहला है पाचन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है पेशी सक्रियता, चौथा है उत्की श्वसन। जो मेटाबॉलिक वाटर बाई प्रोडक्ट है वो है उत्की श्वसन या टिश्यू रेस्पिरेशन का। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रेस्पिरेशन, उत्की श्वसन का बाई प्रोडक्ट होता है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलिसिस, और चौथा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, और चौथा है ऊतकों का ऊतक लयन। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की होता है अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टीसीए साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है, पहला है बहु बीजाणु धारक, दूसरा है द्विबीजाणु धारक, तीसरा है स्तंभ बीजाणु धारक, और चौथा है अबीजाणु धारक। तो मार्सिलिया की बीजाणु फलिका जो है, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, वो क्या है, मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प होता है वो है हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस होगा, मतलब कि बहु बीजाणु, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथ रहित रंभ को क्या कहते हैं, पिथ रहित जो रंभ होता है, हाँ पिथ रहित रंभ को कहते हैं, पहला है मेरिस्टील, दूसरा है प्रोटोस्टील, तीसरा है यूस्टील, और चौथा है डिक्टियोस्टील। जो पिथ रहित, स्टील विदाउट पिथ, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टील। ठीक है, प्रोटोस्टील यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, उसको हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है, पहला है लाइकोपोडियम, दूसरा है एजोला, और तीसरा है इक्विसिटम, और चौथा है टेरिस। तो जो जलीय टेरिडोफाइट है, मतलब एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, वो है मार्सिलिया होता है, एजोला और साल्विनिया। ठीक है, मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मार्सिलिया तो है नहीं, एजोला दिया हुआ है। ठीक है, तो एजोला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे एजोला सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ किस में हो पाई जाती है, पहला है लाइकोपोडियम, दूसरा है आइसोइट्स, और तीसरा है मार्सिलिया, और चौथा है टेरिस। जो ऐसा टेरिडोफाइट जो सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है वो है आइसोइट्स। ठीक है, आइसोइट्स सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर डी डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है, पहला है चार विभाग में, दूसरा है तीन विभाग में, तीसरा है छः विभाग में, और चौथा है आठ विभाग में। जो प्रोफेसर डी डी पंत थे, उन्होंने अनावृत बीजी जो पौधे हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, मतलब कि उनको डिवाइड किया है तीन विभागों में। ठीक है, तीन डिवीजन में और नौ क्लास है, 17 ऑर्डर है। ठीक, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीन विभाग ना, तीन डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालतम ब्रायोफाइटा है, पहला है रिक्सिया, दूसरा है डाउसोनिया, तीसरा है एंथोसिरोज, और चौथा है मार्केंसिया। तो जो बिगेस्ट ब्रायोफाइट है वो है डाउसोनिया। ठीक है, बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स इज डाउसोनिया, ये लगभग 70 सेंटीमीटर हाइट में होता है इसकी हाइट, तो डाउसोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके तना में प्रोटोस्टिल पाया जाता है, पहला है टेरिस में, दूसरा है लाइकोपोडियम, तीसरा है मार्सिलिया, और चौथा है टेरिडियम। तो जो प्रोटोस्टील होती है वो पाई जाती है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में, तो यहाँ पे लाइकोपोडियम दिया हुआ है, तो हम लाइकोपोडियम को यहाँ पे टिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट को कहते हैं, पहला है सम्मोहन क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फैनरोगैम्स, तीसरा है क्रिप्टोगैम्स और चौथा है वनस्पति जगत के उभयचर। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको नहीं सॉरी, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं, दो चीज़ें दी हुई हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम, तो वस्कुलर क्रिप्टोगैम यहाँ पर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वस्कुलर क्रिप्टोगैम। ठीक है, हम अभी केवल थर्ड देख लिए थे। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है, पहला है विषमबीडा बीजाणुकता मतलब कि हेट्रोस्पोरी, दूसरा है सम बीजाणुकता मीन्स होमोस्पोरी और तीसरा है एक विषम बीजाणुकता और सम बीजाणुकता दोनों और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो लाइकोपोडियम होता है वो सम बीजाणुकता मतलब कि होमोस्पोरी शो करता है, लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी होती है, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेलिया के तने में ट्रेबिकुली है, पहला है अंतस्थ त्वचा, दूसरा है बाह्यस्थ त्वचा, तीसरा है परिरंभ और चौथा है वलकुट। मतलब कि ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला इज, पहला है एंडोडर्मिस, दूसरा है एपिडर्मिस, तीसरा है पेरिसाइकिल एंड चौथा है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, पहला है पाइरुविक कार्बोक्सिलेज, दूसरा है हेक्सोकाइनेस, तीसरा है RUDP कार्बोक्सिलेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हरित लवक में जिसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वो है RUDP कार्बोक्सिलेज इज मैक्सिमम अमाउंट फाउंड इन क्रोटोप्लास्ट। ठीक, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे के द्वारा रेशा तेल और जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है, पहला है सूरजमुखी, दूसरा है जूट, तीसरा है कपास और चौथा है सन हेम्प। तो जो रेशा तेल और जंतुओं के लिए भोजन तीनों ही चीज़ें उत्पन्न करता है वो है कॉटन। ठीक है, कॉटन ही रहेगा, वो उससे रेशा भी पैदा उत्पन्न होता है, तेल भी होता है और जंतुओं के लिए भोजन भी, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का दाना होता है, पहला है फल, दूसरा है बीज, तीसरा है भ्रूण और चौथा है लेग्यूम। ठीक है, तो जो गेहूं का दाना होता है व्हीट ग्रेन जो होता है, व्हीट ग्रेन एक फ्रूट होता है। ठीक है, व्हीट ग्रेन इज एन फ्रूट एडिबल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है पहला फल, गेहूं का दाना फल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिपियम हिर्सुटम है, पहला पुराने विश्व की फसल तथा द्विगुणित, दूसरा है पुराने विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित, तीसरा है नए विश्व की फसल तथा द्विगुणित और चौथा नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित। मतलब कि गॉसिपियम हिर्सुटम इज, पहला है ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप डिप्लॉयड, दूसरा है ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप टेट्राप्लॉयड, तीसरा न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड और चौथा है न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड। जो गॉसिपियम हिर्सुटम है, गॉसिपियम हिर्सुटम वो है न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
पूर्ण सक्तता या टोटिपोटेंसी का सिद्धांत दिया गया था, पहला स्टीवर्ट के द्वारा, दूसरा हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, तीसरा है लेबर लैंड्स के द्वारा और चौथा है डार्विन के द्वारा। जो टोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट था या प्रिंसिपल था वो दिया था हेबर लैंड्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है, पहला है औषधि पौधे के रूप में, दूसरा है सजावटी पौधे के रूप में, तीसरा है तेल उत्पादक पौधे के रूप में और चौथा है काष्ट उत्पादक पौधे के रूप में। जो साइकस रिवोल्यूटा होता है वो वाइडली ग्रो किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में, मतलब कि सजावटी पौधे के रूप में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पुल रिंग पाए जाते हैं, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के जो वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है रैकिस ऑफ साइकस, दूसरा है लीफलेट ऑफ साइकल, तीसरा है रूट ऑफ साइकस एंड चौथा है लीफ ऑफ पाइनस। तो जो इन्वर्टेड ओमेगा शेप की वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं रैकिस ऑफ साइकस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, पहला है वी शेप्ड, दूसरा है वाई शेप्ड, तीसरा है सी शेप्ड एंड चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो पाइनस के रूट में जो जाइलम का शेप होता है वो होता है वाई के शेप में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, पहला है एनाट्रोपस, दूसरा है आर्थ्रोट्रोपस और तीसरा है कैम्पाइलोट्रोपस और चौथा है सिर्सिनोट्रोपस। जो पाइनस में ओव्यूल का टाइप होता है वो होता है एनाट्रोपस टाइप का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, पहला है फर्न स्पोरोफाइट, दूसरा फर्न गेमेटोफाइट, तीसरा है रिक्सिया गेमेटोफाइट और चौथा है रिक्सिया स्पोरोफाइट। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्सिया गेमेटोफाइटा में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, रिक्सिया गेमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, पहला है क्रोमेटिड, दूसरा है होमोलोगस, तीसरा है बाइवेलेंट और तीसरा है सेंट्रोमियस। तो जो माइटोसिस और मियोसिस है हमेशा डिफर करती है एक दूसरे से, किसके प्रेजेंस में, ये डिफर करती है बाइवेलेंट के। बायोलेंट जो पाया जाता है ये हमेशा मिलता है मियोसिस में और माइटोसिस डिवीजन में ये एब्सेंट होता है, तो फिर इसी बेसिस पे ये डिफर करती है, हमेशा डिफर करेगी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल इज, पहला है कार्बन साइकिल, दूसरा हाइड्रोजन साइकिल, तीसरा है नाइट्रोजन साइकिल और चौथा है सल्फर साइकिल। जो अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है या सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल होती है वो होती है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या गंधक चक्र। इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर गंधक चक्र या सल्फर चक्र। ठीक है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल इज फॉस्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम बोथ सेडिमेंट्री एंड गैसियस अकर इन केस ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे फिर करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है, पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है पैकेटीन, तीसरा है जाइगोटीन और चौथा है मेटाफेज। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मतलब कि मियोसिस की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है ये पूछ रहा है। तो ये जो सिनेप्सिस होता है वो जाइगोटीन अवस्था में होता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, पहला है 0, दूसरा है 1 और तीसरा है 6 और चौथा है 4। तो एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में जितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो होती है
सूने मतलब कि कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ग्लाइकोलिसिस में एक भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? एक मूल उत्पादक जो होगा सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है, ये पूछा है। तो ये करता है 0.1%, ठीक है। पहला है 0.1, दूसरा है 1.0, तीसरा है 10 और चौथा है 20। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1%। तो जो 60 का करेक्ट आंसर है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रो पादप सर्वप्रथम पहचाने गए, पहला है लैमार्क के द्वारा, दूसरा है डार्विन के द्वारा और तीसरा है हैच और स्लैक के द्वारा, चौथा है एम केल्विन के द्वारा। तो जो पेट्रो प्लांट थे वो सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया था एम केल्विन ने, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का भ्रूण कोष है, पहला है कोशिकीय, दूसरा है केंद्रकीय, तीसरा है कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों और चौथा है न कोशिकीय न केंद्रकीय। तो जो नारियल का भ्रूण कोष होता है या एंडोस्पर्म होता है वो होता है कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व और निषेच्य उभयलिंगिता पाई जाती है, हेट्रोगेमी इज फाउंड इन, पहला है रुई में, दूसरा है मैरीगोल्ड में, तीसरा है मदार में और चौथा है बाजरा में। तो जो हेट्रोगेमी होती है, हेट्रोगेमी कहाँ पे पाई जाती है? रुई में, मैरीगोल्ड में, मदार में, बाजरा में। तो ये पाई जाती है मदार में या कैलोट्रोपिस में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है, पहला है बीजांडकाय की अनुपस्थिति, दूसरा है विकसित बीजांडकाय, तीसरा है आंशिक विकसित बीजांडकाय और चौथा है अविकसित बीजांडकाय। जो स्थूल बीजांडकाय बीजांड प्रदर्शित करता है वो है विकसित बीजांडकाय या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपर्ण है एक जो फ्रॉन्ड है वो क्या है? पहला है कलिका, दूसरा है पर्ण, तीसरा है पर्णवृंत और चौथा है कंटक। जो प्रपर्ण होता है वो क्या होता है? तो प्रपर्ण जो है वो होता है पर्ण होता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रपर्ण मतलब कि लीफ। ऑप्शन सेकंड, कीट जो अपने अंडे जल में देता है कौन सा है? पहला है तितली, दूसरा है घरेलू मक्खी और तीसरा है ड्रैगन मक्खी और चौथा है सैंड मक्खी। तो वो कीट जो कि अपने अंडे जल में देता है वो कौन सा है? वो है ड्रैगन मक्खी। तितली, घरेलू मक्खी, सैंड, ये जो है जल में अंडे नहीं देती है, ड्रैगन मक्खी जल में अंडे देती है, ठीक। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? पहला है कोबरा, दूसरा है पाइथन, तीसरा है करैत और चौथा है वाइपर। तो जो कोबरा, करैत और वाइपर हैं ये सब के सब तो जहरीले सांप हैं, लेकिन पाइथन मतलब कि जो एनाकोंडा होता है वो पॉइजनस नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है, पहला है प्रजनन, दूसरा है संदेश पहुंचाने का कार्य, तीसरा है भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना और चौथा है विदेशी या बाह्य तत्वों को मारना। तो जो वैगल डांस होता है वो जो मधुमक्खी करती है वो उस समय करती है जब उसे कहीं पे फूड सोर्स दिखता है, भोज्य पदार्थ के जब स्रोत उसको दिखता है वो वैगल डांस करने लगती है और वहीं पर जाने के लिए वो इशारे करती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? पहला है जिनोप्साइला जियोपिस, दूसरा है पेडिकुलस ह्यूमेनस और तीसरा है ग्लोसिना पालपेलिस और चौथा है एडीज एजिप्टी।
जो ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण होता है वो होता है जिनोप्साइला जियोप्सिस के कारण। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार तथा ओरिएंटल सॉल रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? पहला है सैंड मक्खी, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है ड्रैगन मक्खी और चौथा है टिड्डा। तो जो काला आजार और ओरिएंटल सॉल नामक डिजीज़ है वो जो है फैलती है सैंड मक्खी से। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? पहला है मेडुला, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा है हाइपोथैलेमस। मतलब कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि क्षतिग्रस्त अगर हो जाए, डैमेज हो जाए तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो वो होता है सेरिब्रम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न बाय, पहला है तंत्रिकी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तीसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है या रिफ्लेक्स एक्शन जो गवर्न किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के द्वारा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। पहला है पाचन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है परासरण नियंत्रण और चौथा है जल अवशोषण। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो काम होता है वो होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है। पहला है घरेलू मक्खी द्वारा, दूसरा है मच्छर द्वारा, तीसरा है खटमल द्वारा और चौथा है फ्रूट मक्खी के द्वारा। जो हाथी पांव या एलिफेंटेसिस या फाइलेरियासिस नामक जो बीमारी है उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है मच्छर के काटने से। ठीक है, मच्छर, हाथी पांव या फाइलेरिया, और ये कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में नेमाटोसिस्ट पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। हाइड्रा के नेमाटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। पहला है हाइपोनोटॉक्सिन, दूसरा है हिमैटिन, तीसरा है हिपेरिन और चौथा है थ्रोम्बिन। तो जो हाइड्रा के नेमाटोसिस्ट में पाया जाने वाला पॉइजनस सब्सटेंस है वो कौन सा है? वो है हाइपोनोटॉक्सिन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है, मतलब कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में नहीं पाया जाता है? पहला है एम्फियोक्सिस में, दूसरा है मेढक में, तीसरा है चूजा में और चौथा है चूजा और एम्फियोक्सिस में। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिसमें नहीं पाया जाता है वो ये बताना है। तो वो नहीं पाया जाता है चिक में या चूजे में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडन मेयरहॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। पहला है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को, दूसरा अशर्करा से ग्लूकोज बनने को, तीसरा एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनने को और चौथा है बीटा ऑक्सीकरण को। जो एम्बेडन मेयरहॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है वो करता है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन जो हो जाएगा उसका नियंत्रण करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोमों की उत्पत्ति होती है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है सेंट्रियोल में, तीसरा है कोशिका कलाव से और चौथा है गाल्जी उपकरण से। तो जो लाइसोसोम होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन होती है वो होती है गाल्जी ऑपरेटर से। ऑप्शन जो है गाल्जी ऑपरेटर, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। पहला है अनुकूलतम पीएच देकर,
दूसरा है तापमान बढ़ाकर, तीसरा है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर और चौथा है एटीपी उत्पादित करके। तो एंजाइम जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो कर पाते हैं क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की दर को, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने के, संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको घटा करके वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाओं की गिनती क्या होगा? पहला घट जाएगी, दूसरी ये बढ़ जाएगी, तीसरे अप्रभावित रहेगी और चौथा है घटकर शून्य हो जाएगी। यदि प्लीहा को या स्प्लीन को बाहर निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती, मतलब कि प्लेटलेट काउंट विल बी, पहला डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा रिमेन अनइफेक्टेड और चौथा है बी रिड्यूस टू जीरो। तो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनेलिन हार्मोन पढ़ाता है, पहला है हृदय विस्पंदन, दूसरा है रक्तदाब, तीसरा है इनमें से दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एड्रेनेलिन हार्मोन बढ़ाता है वो बढ़ाता है हार्ट बीट को भी बढ़ाता है और रक्तदाब मतलब कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस तथा क्रोमैग्नॉन मानव से किस बात से भिन्न है? पहला है ढलवा जबड़ों में, दूसरा सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से और चौथा, तीसरा है जानवरों के चित्त को बनाने में सक्षम और चौथा है इनमें से सभी। तो जो होमो इरेक्टस और क्रोमैग्नॉन मानव है वो किस बात में भिन्न है, वो यही पूछ रहा है। तो जो होमो इरेक्टस होता है वो क्रोमैग्नॉन मानव से जो जबड़े होते हैं, ढलवा जबड़े जो होते हैं उसके आकार में भिन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? पहला है गैस्ट्रुलेशन, दूसरा है न्यूरुलेशन, तीसरा है ब्लास्टुला निर्माण और चौथा है मारुला निर्माण। जो पीत प्लग होता है वो कब बनता है? वो बनता है गैस्ट्रुलेशन के समय में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, दूसरा है कंकाल मध्य स्तरीय है, तीसरा है यकृत बाह्य स्तरीय है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो कथन सत्य है वो ये बताना है इसमें से। ठीक है, तो जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब कि कंकाल जो होता है वो होता है मेसोडर्मल मध्य स्तरीय होता है, ये करेक्ट दिया हुआ है। मस्तिष्क जो दिया हुआ है कि मध्य स्तरीय होता है, ये इनकरेक्ट है। मस्तिष्क जो होता है वो होता है एक्टोडर्मल बाह्य स्तरीय होता है। ठीक, और यकृत बाह्य स्तरीय दिया हुआ है जबकि ये क्या होता है एंडोडर्मल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केलेटन। ठीक, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? पहला है वॉक रज्जू, दूसरा है स्टर्नम, तीसरा है एरिटिनॉइड कार्टिलेज और चौथा है वॉक रज्जू तथा एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो मेढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण जिन पेशियों के द्वारा होता है वो है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? पहला है यकृत, दूसरा है पेशी, तीसरा है कंडरा और चौथा है तंत्रिका। तो जो कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत जो है वो है कंडरा मतलब कि टेंडोन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था? पहला है अरस्तु ने, दूसरा है लैमार्क ने, तीसरा है डार्विन ने और चौथा है लीनियस ने। तो बायोलॉजी शब्द का उपयोग जो सबसे पहले किया था वो किया था लैमार्क ने। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं? पहला है कशेरुकाओं के,
दूसरा है पसलियों के, तीसरा रेडियो अल्ना के और चौथा है टीबीओ फिबुला के। जो ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो सिरे भाग होते हैं वो होते हैं पसलियों के, ठीक है, वर्टिब्रल रिब्स के होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? पहला है एक्स क्रोमोजोम, दूसरा है पॉलीटिन क्रोमोजोम, दूसरा है बहुपट्टीय क्रोमोजोम और चौथा है लैम्ब्रुस क्रोमोजोम। कौन सा है जो कि सबसे बड़ा होता है? तो जो लैम्ब्रुस क्रोमोजोम होता है वो सबसे बड़ा होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैस्मिनिया डोनोवेनाई से कौन सा रोग होता है? पहला है निद्रालु व्याधि, दूसरा है प्राचीव्रण और तीसरा है कालाजार, चौथा है पेचिस। तो जो लैस्मिनिया डोनोवेनाई है उससे जो होता है वो होता है कालाजार। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है? पहला है केचुए में, दूसरा है गोधिका में, तीसरा है तिलचट्टे में और चौथा है टोड में। तो जो ओपन वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है लिजर्ड में, ठीक, लिजर्ड में मिलता है ओपन वास्कुलर ब्लड वास्कुलर बंडल, ओ ओपन ब्लड वास्कुलर बंडल जो है गोधिका नहीं, सॉरी, एक कॉकरोच में मिलेगा, तिलचट्टे में मिलता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु जी से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा वह है? पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स, तीसरा है टी लिम्फोसाइट्स और चौथा है ईओसिनोफिल। तो जो जिसका संश्लेषण नहीं हो पाएगा वो है टी लिम्फोसाइट्स। जो थाइमस ग्रंथि से ही टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है टी लिम्फोसाइट्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल, पहला मुख द्वारा, दूसरा है चूसक द्वारा, तीसरा है देह भित्ति द्वारा और चौथा है चूसक और मुख दोनों के द्वारा। जो टीनिया होता है अपना भोजन देह भित्ति द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम ग्रंथियाँ हैं रूपांतरित, किसकी रूपांतरण है रेशम ग्रंथियाँ? पहला है लार ग्रंथियाँ, दूसरा है पाचन ग्रंथियाँ, तीसरा उत्सर्जी अंग और चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो जो रेशम ग्रंथियाँ होती हैं, सिल्क ग्लैंड होती हैं, वो रूपांतरण है लार ग्रंथियों का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के दुग्धोत्पादन के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम है? पहला है प्रोलैक्टिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्ट्रॉन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले जो हार्मोन है वो होता है ऑक्सीटोसिन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विसिटम के वायवी तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? पहला है केवल कटके, दूसरा है केवल खांचे और तीसरा है कटके और खांचे दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो इक्विसिटम के एरियल स्टेम होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो मिलता है वो है रिजेज ओनली होते हैं, मतलब कि केवल कटके होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएं या कैरेनली कैनाल पाई जाती है? एक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएं या कैरेनले कैनाल्स पाई जाती हैं? पहला है संवहन पुल में, दूसरा है वल्कुल में, तीसरा है पित्त में और चौथा है इनमें से सभी में। तो जो एक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएं या कैरेनल कैनाल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं संवहन पुल में या वास्कुलर बंडल्स में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मरुद्भिद है? पहला है मार्सिलिया, दूसरा है एजोला और तीसरा है साल्विनिया और चौथा है एक्विसिटम। तो कौन जो है जीरोफिटिक है ये बताना है। तो जो जीरोफिटिक कैरेक्टर का वो है एक्विसिटम, ठीक है,
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु क्लब मास या लिटिल क्लब मास के नाम से कौन प्रचलित है? पहला है सिलेजिनेला, दूसरा है लाइकोपोडियम, तीसरा है एक्विसिटम और चौथा है मार्सिलिया। तो जो लघु क्लब मास के प्रचलित है के नाम से प्रचलित है वो प्रचलित है सिलेजिनेला, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? पहला है लाइकोपोडियम, दूसरा है सिलेजिनेला, तीसरा है मार्सिलिया और चौथा है एक्विसिटम। तो कौन सा जो है उभयचर प्लांट है ये बताना है, ठीक है। तो जो मार्सिलिया होता है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही पाया जाता है, मतलब कि ये एम्फीबियन टाइप का है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकी तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं? पहला है एंथोसिरोज में, दूसरा है फ्यूनेरिया में, तीसरा है रिक्सिया में और चौथा है मार्केंसिया में। तो जो बहुकोशिकी तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिक्सिया की कौन जाति जली है? पहला है आर डिस्कलर, दूसरा है आर फ्लूटेंस, तीसरा है आर ओरेस्टालिना और चौथा है आर रेटिकुलाटा। तो जो रिक्सिया फ्लूटेंस है वो एक जलीय जाति है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है? पहला है रिक्सिया क्रिस्टेलिना, दूसरा है रिक्सिया ग्लाका और तीसरा है रिक्सिया पठान कोलेंसिस और चौथा है रिक्सिया हिमालयेंसिस। तो जो एक लिंगाश्रयी जाति है वो कौन सी है? वो है रिक्सिया हिमालयेंसिस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? पहला है गोपक, मतलब कि कैलिप्ट्रा, दूसरा है प्रच्छद, तीसरा है स्तंभिका और चौथा है वलय, मतलब कि फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट जो है हेप्लॉयड है? पहला है कैलिप्ट्रा, दूसरा है ऑपरकुलम, तीसरा है कॉलोमेला और चौथा है एनल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कैलिप्ट्रा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोजोइट्स ऑफ रिक्सिया आर मोनोफ्लैजिलेट, दूसरा है ब्लाइफ्लैजिलेट, तीसरा है क्वाड्रीफ्लैजिलेट, चौथा है मल्टीफ्लैजिलेट। जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं रिक्सिया के वो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेडोफाइज विच फिक्स नाइट्रोजन इज, पहला है एजोला, दूसरा है साल्वेनिया, तीसरा है टेरिस और चौथा है सिलेजिनेला। तो जो टेडोफाइट नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो है एजोला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ऑफ, पहला है साइकस, दूसरा है पाइनस, तीसरा है मैंगो और चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो जो चिलगोजा होए वो किस प्रजाति का पौधा है? तो वो है चिलगोजा इज अ ड्राई फ्रूट ऑफ स्पीसीज ऑफ पाइनस गेरेडियाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट इन, पहला है ऑन एक्सियल साइड, दूसरा है ऑन एबेक्सियल साइड, तीसरा है अलोंग एंड मार्जिन्स, चौथा है इन द एक्सियल। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है साइकस के माइक्रोफिल्स में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है ऑन एबेक्सियल साइड, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर क्यू स्टैंड्स फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, तीसरा है अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, चौथा है टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्क्यूस्ट जो है वो है आर्क्यू स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस की कास्ट है, पहला है सघन दारुक, दूसरा है विरल दारुक, तीसरा है सघन दारुक और विरल दारुक दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। द वुड ऑफ पाइनस इज पिक्नोजाइलिक मोनोजाइलिक बोथ पिक्नो एंड मोनोजाइलिक एंड चौथा है नन ऑफ दी। तो जो पाइनस की वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा है
द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, पहला है जेमिया, दूसरा है इफेड्रा, तीसरा है साइकस और चौथा है जिंको। तो जो जिम्नोस्पर्म जो कि लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म है वो है जेमिया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन पाइनस इज, पहला है एनिमोफिलस, दूसरा है हाइड्रोफिलस, तीसरा है जूफिलस और चौथा है कैरियोप्टेरस। तो जो पाइनस में परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो होता है वाई परागण या एनिमोफिलस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, पहला है जेंटम जेनियम, दूसरा है जिंको बाइलोबा, तीसरा है सेड्रस डियोडारा, चौथा है इफेड्रा फोलिएटा। तो जो लिविंग फॉसिल है वो है जिंको, ठीक है, तो जिंको बाइलोबा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप फॉर्म, पहला है इंटेगमेंट, दूसरा है न्यूसिलस, तीसरा है कार्पेलरी स्केल और चौथा है ओविली फेरस स्केल। तो जो विंग ऑफ सीड ऑफ पाइनस जो डेवलप होती है वो कहाँ किससे होती है, वो होती है ओविली फेरस स्केल से, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनेशियम रिप्रेजेंट्स, पहला है ओवरीज विथ फ्यूज स्टिग्मास, दूसरा है ओवरीज विथ फ्यूज स्टाइल, तीसरा है अ सिंगल कार्पल और चौथा है द होल कार्पल, ठीक है। तो गाइनोसियम जो रिप्रेजेंट करता है वो है रोल ऑफ कार्पल्स, मतलब कि अंडपों का जो चक्र होता है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नियोटिया प्लांट इज अ सेप्रोफाइट, दूसरा है सिम्बायोन, तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो नियोटिया प्लांट है वो क्या है, वो एक है सेप्रोफाइट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट विच नीड नॉट लेस देन 10 hours ऑफ एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है तब वह पौधा होना चाहिए। पहला है दीर्घ प्रदीप्त काली पादप, दूसरा है लघु प्रदीप्त काली पादप, तीसरा है दिन उदासीन पादप और इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीर्घ प्रदीप्त काल पादप, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण होता है, पहला है कोशिका दीर्घीकरण, दूसरा है कोशिका झुकाव, तीसरा है कोशिका विभाजन और चौथा है कोशिका प्रसूप्ति। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कोशिका दीर्घीकरण या सेल इनलार्जमेंट, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व उपजाति के बीच की जाति को कहते हैं, पहला है सहोदर जाति, दूसरा है अर्ध जाति, तीसरा है अधिजाति और चौथा है उपजाति। तो जाति और उपजाति के बीच की जो जाति होती है वो कहलाती है अर्ध जाति, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख खाद्य फसल है, पहला है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है चावल और चौथा है जौ। तो जो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है, वो है गेहूँ, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक सदैव क्या होता है, पहला है विविध पोषी, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है मृत पोषी और चौथा है परजीवी। तो जो कवक होता है वो क्या होता है, कवक हमेशा ही जो होगा हेट्रोफाइट्स होता है ये, ठीक है, विविध पोषी होता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, पहला है इसीडियम, दूसरा है सोरोडियम, तीसरा है सिफेलोडियम और चौथा है साइफेला। तो जो लाइकेन में रेस्पिरेशन में या श्वसन में मदद करने वाली संरचना होती है वो है साइफेला, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है, पहला है सिलेंडोस्पर्म, दूसरा है आलोसाइरा, तीसरा है ऑसिलेटोरिया और चौथा है नॉस्टॉक। तो जो धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है वो कौन सा है, ओलोसाइरा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, पहला है प्लाज्मिड पर, दूसरा है एपिसोम पर, तीसरा है मिजोसोम पर और चौथा है न्यूक्लियाइड्स पर। तो जो जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम होते हैं, सेलुलर एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मिजोसोम्स पे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेंट हो जाएगा, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।